हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दरभंगा हवाई अड्डे को नई जगह पर शिफ्ट करने की कवायद तेज, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक और बेहतर सुविधाएं। जी हां, दूसरी जगह शिफ्ट होगा दरभंगा एयरपोर्ट, यात्री सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। जानिए पूरी खबर। वर्तमान में दरभंगा एयरपोर्ट से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यात्रियों ने यात्रा की है। हालांकि अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन उड़ान योजना के तहत बने तमाम एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का फैसला लिया है। अब इसके लिए जमीन अधिग्रहण कर नया सिविल इनक्लेव और रनवे बनाया जाएगा। नए रनवे और सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। नीट के एग्जाम में पास करने तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का हब बना उत्तर बिहार का एकमात्र संस्थान एपिक्स इंस्टीट्यूट। दरभंगा के प्रसिद्ध बायोलॉजी शिक्षक डॉक्टर डी कुमार MBBS MD। नई बैच 7 मार्च से प्रारंभ। पता खान चौक, रहमगंज, दूसरा चौबे लॉज, नाका 5, डोनार रोड, दरभंगा। क्या आप अभी भी हैं अपने दांतों के परेशानियों से परेशान? तो आज ही जाएं ग्रेस डेंटल केयर, बढ़ई टोला, कटलवाड़ी, दरभंगा। यहाँ आपको मिलेगा आपके दांतों के परेशानियों का हल डॉक्टर देवेंद्र कुमार के द्वारा। ग्रेस डेंटल केयर बढ़ई टोला कटलवाड़ी दरभंगा लेकर आया है अत्याधुनिक तकनीकी मशीनें, जिससे अब आपके दांत रहेंगे हमेशा स्वस्थ। दांत से संबंधित हलों के लिए एक बार अवश्य जाएं डॉक्टर देवेंद्र कुमार ओरल एंड डेंटल सर्जन के पास, बढ़ई टोला कटलवाड़ी दरभंगा। फिलहाल नए रनवे के लिए जमीन चिन्हित कर प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हां, इस जगह पर बनेगा जमीन अधिग्रहण होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से नए रनवे के लिए वासुदेवपुर, बेला, नवादा व बेला दुल्ला में 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस प्रस्ताव को DM राजीव रोशन द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन के लिए पूरी रिपोर्ट सरकार के सूचना व जन संपर्क विभाग को भेज दी गई है। वही नहीं, सिविल इनक्लेव के लिए 54 एकड़ जमीन का अधिग्रहण वासुदेवपुर मौजा में किया जाना है। इसके लिए भी प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए भी तैयार प्रस्ताव को आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जा रहा है। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए बिहार कैबिनेट की ओर से 336 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 वर्ष से ठंड के समय में कोहरे के कारण कई उड़ान को रद्द किया गया है। इसके अलावा पार्किंग की भी समस्या है। नई जगह पर भी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम पूरा हो जाने के बाद NH-27 तक रानीपुर से लेकर के सकड़ी तक कई व्यवसायिक केंद्र खुलेंगे और आसपास में अपार्टमेंट एवं मॉल्स का निर्माण होगा।